तो भाई फाइनली वीडियो शूट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो फेक हॉरर वीडियोस डालते हैं, ठीक है। हमने थोड़े दिन पहले वीडियो बना के वार्निंग दे दी थी हरदूत चैनल को कि मत बनाना ऐसी वीडियो जिसमें फेक भूत दिखाओ, लेकिन जो बंदे रेगुलर बेस पे वीडियो बना रहे हैं या जो बंदों ने पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है जो साफ साफ पता चल रही है फेक है, उन सभी के नाम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारा काम है नाम बताना, उसके बाद आपका काम है इस वीडियो को उनके पास भेजो और उनके डंडा कर दो कि भाई तुम सही हो ना, तुम सच्चाई दिखाते हो, तो तुम रिप्लाई करो इनको, जाओ इनके साथ वीडियो बनाने और इनको दिखा दो भूत, ठीक है। और भाई ये भी दिखाएंगे कि उन्होंने फेक कहां पर दिखाया है, जो जो मतलब ऐसे ही रैंडमली भाई उस चैनल की रैंडमली कोई भी एक वीडियो उठा रहे हैं हम, और वो वीडियो की जो भी सीन जिसमें भी उन्होंने कोई भी एक्टिविटी दिखाई है ना वो दिखा देंगे आपको। अब आपका काम है आप यार सच मानो झूठ मानो, उनके सपोर्ट में हो तब भी उनको दिखाओ, हमारे सपोर्ट में हो तब भी उनको दिखाओ। तो पहला नाम किसका है, नाम पढ़ियो। अंकुर कश्यप ब्लॉग, ये अंकुर कश्यप ब्लॉग नाम से चैनल है भाई, इसकी कोई एक वीडियो उठा लेते हैं। अरे ये उठा लेना, ये इस पे हमने भी कौन सी चार्ली वाली, हाँ इस पे हमने भी बना रखी है, इसको देख लेते हैं एक बार जरा। हमें पता ना पेंसिल कैसे घूमती है, पेंसिल घुमाने का तरीका हमें पता ना, अगर इसने पेंसिल घुमाई होगी ना तो इसका भी पता चल जाएगा। आगे करते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये भाई साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं चार्ली, चार्ली से चार्ली आर यू हेयर, भाई कुछ नहीं हो रहा, दोबारा पूछूं क्या करूं, अभी देखते हैं चार्ली आता है कि नहीं आता, आएगा तो पक्का भाई, हमारी वीडियो थोड़ी ना जो ना आए। ये आ गया चार्ली, चार्ली ओ रिस्पॉन्स देखो, उतरी 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 साढ़े आ जाता ना चार्ली, उतरी नहीं करता भाग जाता है यहाँ से, ठीक है। और ये चार्ली और बता भी रखा पेंसिल घूमती कैसे, वीडियो देख लेना। खैर उस टाइम पे क्वालिटी इतनी अच्छी हम बनाते नहीं थे कि ज्यादा साफ साफ दिखाई दे, लेकिन बताते थे कि कैसे घूमती है पेंसिल, जाना एक बार चैनल पे सर्च कर लेना चार्ली, चार्ली एक्सप्लोरिंग इंडिया ये लिख लेना, पता चल जाएगा वीडियो के एंड में जाना एक बार, पता चल जाएगा कि किस तरीके से घुमाई जाती है पेंसिलें। और सबसे बेकार बात इसकी पता क्या, खुद तो कर ही रहा है काम, अपनी बहन से भी करवा रहा है, मतलब यार इतनी तो तुझे शर्म रखनी चाहिए, अगर तुझे ये फेक काम करने कर ले, गलत काम करने कर ले, अपनी बहन को तो मत इंक्लूड कर इसमें यार, क्यों किसी लड़की की बिन फालतू की रिस्पेक्ट क्यों किसी खराब करवा रहा है थोड़ी बहुत शर्म। तो फोन तो रख दे यार जेब में, इसको भी भाई को थोड़ा सा समझा दे, समझ जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं समझेगा तो खाम खा की बेइज्जती करवाता रहेगा, कोई फायदा नहीं उस बात से। तो वीडियो तो देख ही ली होगी इसने हमारी ओपन चैलेंज वाली, चार्ली को भाई हमारे साथ बैठ जा, हम अकेले बैठ जाएंगे, हमारे साथ नहीं बैठना, तू जहाँ बोलेगा वहाँ जाके हम बैठ जाएंगे अकेले, हमें खिलवा दे चार्ली चार्ली और हमारे पास बुलवा दे। तो अगर दम हो नंबर दे दिया था उस वीडियो में ओपन चैलेंज वाली में, फिर से डाल रहा हूँ यार स्क्रीन पे नंबर, स्क्रीन पे फिर से नंबर डल जाएगा, नंबर दे दिया था, इंस्टाग्राम आईडी पता है भाई, सब कर दियो, सबको सब कुछ पता है यार, हमें बहुत टाइम हो गया ये काम करते हुए, तुम अभी आए हो ये फेक फेक करके जो वीडियो बनाई है, कर लियो फोन चार्ली खेल ले, थ्री कार्ड्स वो थ्री किंग्स वाला जो गेम है वो खेल ले, जो खेलना वो खेल ले, सिर्फ नाम बताना था, तेरा नाम है और समझ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझेगा तो फोन कर लियो, तुझे पता चल गया, अब अगले बंदे देख लेते हैं, अगला कौन था, पवन सिंह करके है, विजय व्लॉग, व्लॉग पवन सिंह, विजय पवन सिंह क्या नाम है, पवन जी व्लॉग विजय पवन सिंह, इसकी तो भाई की लेटेस्ट वीडियो देखी थी मैंने एक दो दिन पहले ही, तो ये भाई ने क्या कहते हैं एक दो दिन पहले किसी लड़की से करवाया था ब्लडी मैरी चैलेंज, और वीडियो की स्टार्टिंग में ना इसने ये लिख दिया कि सी सम नेगेटिव एनर्जी ट्राइंग टू गो आउटसाइड, वॉच फुल वीडियो कमेंट इफ यू ऑल्सो सी दैट, हुआ क्या इस वीडियो में जो इसने दिखाया कि पर्दा थोड़ा सा हिल रहा है वहां से, और बड़ा बड़ा इसने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख दिया वीडियो के, ताकि वीडियो पे व्यूज आए, बंदा स्किप ना करे पूरी वीडियो को, बड़ा बड़ा लिख दिया सी सम नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी बाहर जाने की कोशिश कर रही है, सही है बहुत सही है, पर्दा उड़ रहा है, पर्दे उड़ने का मतलब है नेगेटिव एनर्जी बाहर जाने की कोशिश कर रही है, अंदर का भाई कल से भाई तुम लोगों के घर में पर्दा हल्का सा भी उड़ जाए ना तो नेगेटिव एनर्जी बाहर जाने की कोशिश कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये लड़का भी, और ये शायद से मुंबई का है और इससे पहले वाला बंदा दिल्ली का था, तुम्हें नहीं मालूम हम भी दिल्ली के हैं, तुम बोलोगे मुंबई आना तो मुंबई आएंगे, जहाँ बोलोगे वहां जाएंगे, मुंबई का बोलेगा ना भाई नंबर है, फोन करियो एक बार बोल दियो कि मुंबई आ जाओ, मैं दिल्ली नहीं आ सकता, तुम आ जाओ हम मुंबई आ जाएंगे उसी दिन, ठीक है, कर दियो मैसेज कर दियो, इंस्टा पे कर दियो, व्हाट्सएप पे कर दियो, फेसबुक, जहां मन करे वहां कर देना भाई, जैसा तुम्हारा मन करे कांटेक्ट करने का तुम वैसे हमसे कांटेक्ट करो, और ये सिर्फ बहुत प्यार से हम आपको बता रहे हैं कि भाई आप ये काम कर रहे हो हमारे हिसाब से, तो और पब्लिक ने भी आपका नाम कमेंट में लिखा है, बढ़िया ना यकीन हो, वीडियो पे जाना हमारी कमेंट लिस्ट चेक कर लेना, तुम्हारा नाम है, एक बात और बता देता हूँ, चैलेंज जब किया था नंबर दिया था तुम लोगों के मैसेज तो आए नहीं, किसी के नहीं आए, आए हुए हैं कि भाई इन लोग
लोगों ने फेक दिखाया उनके मैसेज तक दिखाऊंगा मैं तुम्हें, मैसेज जरूर दिखाऊंगा, मेरे व्हाट्सएप पे पढ़े सबके मैसेज। तो भाई ये फेक दिखा दिखा के जो तुम व्यूज बढ़ा रहे हो ना यार, इससे ना लोगों के यार माइंड पे ना गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है यार। व्यूज बढ़ा लो, व्यूज की दिक्कत नहीं है, कुछ और तरीका निकाल लो ना भाई। अच्छा दिखाओ यार, अच्छी कोई ऐसी चीज दिखाओ जिससे लोगों का भी भला हो। तुम उल्टा लोगों के दिमाग में डाल रहे हो डर। और सबसे अच्छी बात पता क्या, इन बंदों की ना हर दूसरी तीसरी वीडियो में भूत दिखाई देगा, एक्टिविटी दिखाई देगी, लेकिन इन्हें कभी कुछ नहीं होगा भाई। ये जिंदा के जिंदा है, भूत इन्हें मारेगा नहीं, क्योंकि इनका यूट्यूब चैनल चलना चाहिए भाई। भूत मार दिया तो कैसे चलेगा, एनर्जी पकड़ में आएगी इनको, भूतों की आवाज सुनाई देगी, भूत दिखाई भी दे जाएगा, लेकिन वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो ये जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं कोई भी। और अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी वीडियो सही है, तो हम तो ओपन चैलेंज दे रहे हैं, हमारा चैनल डिलीट करवा दो या अपना चैनल डिलीट कर दो, वीडियो बना दो, एड्रेस बता दो, वहां मिलेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारे पास मिलेंगे हम। और अरे नहीं, मैं बताता हूँ ना, पहले हमें फोन कर लो, हमें बोल दो भाई यहाँ आना है, ठीक है, हम मना कर देते हैं ना। कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखो, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखो, नंबर यही रखो, तुम्हारे पास भी प्रूफ रहेगा। अगर हम मना कर दे के नहीं आ रहे, हम वीडियो बना के डाल लो, कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दो उसमें कि हमने फोन किया था एक्सप्लोरिंग इंडिया को, इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं मना करेंगे 1% भी, फोन कर लो भाई। कर देंगे भाई, अगर तुमने भूत दिखा दिया ना, कुछ भी निगेटिव एनर्जी दिखा दी, वहीं पर चैनल डिलीट कर देंगे भाई। और तुम में से कोई सा ये सोच रहा हो कि तुम्हारी क्लिप यूज कर ली कॉपीराइट मार दूंगा, मारो, अभी तक तो लोगों को शक है, जहां तुमने कॉपीराइट मारोगे ना सिर्फ एक स्ट्राइक आएगी, एक स्ट्राइक से चैनल की ना लाइव स्ट्रीम बंद होगी, ना मोनिटाइजेशन बंद होगी, ना अपलोडिंग बंद होगी। जहां स्ट्राइक पड़ी वहां तुम्हारा नाम लिखा हुआ आएगा, और वहीं तुम्हारी जो लोगों का भी सिर्फ शक है वो यकीन में बदल जाएगा। तुम खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तीसरे बंदे के लिए तरुण तू भी आ जा एक बार, तीसरा बंदा भी ये खास है, ये लड़का खास है, वो भी हमें जानता है, मिल रखे हैं, मिले हुए हैं, पर भाई गलत बात तो गलत है। दिखा यार इसकी वीडियो, दिखा तू, एक वीडियो है भाई इसकी, वैसे तो काफी सारी वीडियो है जिसमें भूत है, लेकिन एक जो सबसे स्पेशल हमें लगती है, सबसे बढ़िया इसकी, वो इसकी वो वाली चूज करिए भाई, गौरव जोन है। तो भाई इसकी वीडियो का टाइटल है घोस्ट कोट एट 3 AM एक्चुअल फुटेज, और ऊपर तारा भी बनाया हुआ है, ठीक है, करेक्शन डाल रहे, करेक्शन है, एक्चुअल है, झूठ मत मानना इसको, ठीक है भाई। तो इसने किसी जगह पे गया था गाड़ी में 2-4 लड़कों के साथ, और गाड़ी के अंदर से बाहर नहीं उतरा ये देखने के लिए, देखो ये इसने दिखाया भूत। भूत कैसा भाई, होए होए, ऐसा लग रहा है घोड़ी बना रखा है इसने किसी को वहां पे, कट्टा उठा के डाल रखा है। और इसकी खुद की इस वीडियो पे देख लेना, बंदों ने इतनी गालियां बकी है ना इस बंदे को, इतनी गालियां बकी है उसके बाद भी इसमें इसमें भाई इतना वो है ना जिगरा बंदे में, फिर बना देते हैं ऐसी वीडियो। इसकी एक चार्ली वीडियो भी दिखाऊं जिसमें फूंक मार रखी है भाई साहब, और उसमें बंदे कमेंट कर रहे हैं कि साड़ो, मतलब टाइम लिखते ना ये टाइम लिख के कि क्यों फूंक मार रहे हो, साफ पता चल रहा है। और बहुत है यार इसकी, मैं क्या बताऊं, जाके सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगी। हमारा काम था सिर्फ नाम बताना था, हमारा काम था सिर्फ नाम बताने का, सबको पता कौन, नाम बताना, और ऊपर से काम ये भी है भाई, जहां बुलाओगे वहां आएंगे, जहां बुलाओगे तब आएंगे, तुम्हारे साथ वीडियो बनाएंगे, भूत दिखा दो बस, हम तो चाहते हैं जिंदगी सफल हो जाएगी हमारी, भूत दिख गया, दिखाओ भूत दिखाओ भाई। जिस दिन हमने तो खुद ही सोच रखा है, जिस दिन भूत दिख गया उस दिन हमारे चैनल का मोटिव खत्म है भाई। हमारे चैनल का मोटिव ही ये है कि ये भूत बात चीज है, सिर्फ सब बकवास है, हमारा तो चैनल का मोटिव ही है। अगर जिस दिन भूत दिख गया तो हम खुद पीछे हट जाएंगे, हमारा कोई मतलब ही नहीं रहेगा भाई फिर चैनल बनाने का। एक चौथा नाम है लास्ट में, वो आप लोगों ने बोला था, हम उसे इंक्लूड नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वो इंडिया से बाहर का चैनल है वो पाकिस्तान का चैनल, हिंदी बोलते हैं, इंडिया में भी उनकी काफी वो है ऑडियंस, तो उन सब लोगों ने कमेंट करा था कि वो क्या था नाम से चैनल है, ये फेक वीडियो बनाते हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें उसने उनके चैनल पे जाके कमेंट किया था कि ऐसे ऐसे चैलेंज दिया हो एक्सप्लोरिंग इंडिया वालों ने, तो रिप्लाई करो। तो उनमें से 3-4 बंदे हैं वो, उनमें से किसी एक ने कमेंट किया था उसकी आईडी से कि इनको ऐसी जगह बताऊंगा जहां से वापस नहीं आ पाएंगे, मतलब तो पाकिस्तान की थी या कहां की थी। भाई साहब जगह बताओ, जगह बताओ, हम जा रहे हैं और वापस भी आके दिखाएंगे, जगह बताओ। और इनकी तो एक हमारा सब्सक्राइबर ही है, मैं इसकी वीडियो नहीं देखता भाई इनकी, ना कभी देखी इनकी वीडियो, इनकी 30-40 मिनट की होती है और सब में भूत दिखाते हैं, इसलिए इतना टाइम वेस्ट करने का नहीं है। आज ही किसी बंदे ने जीमेल पे एक लिंक भेजी थी, नाम यार मेरे को याद नहीं है, थैंक यू बोलता हूँ उस बंदे को, उसने लिंक भेजी थी जिस वीडियो में उसने भूत को, मतलब जब इन्होंने भूत दिखाया ना तो उस बंदे ने पकड़ लिया था कि इसने इशारा करा था, उसी टाइम एक्टिविटी हुई है, तो उसने स्लो मोशन करके उस बंदे ने वीडियो भेजी थी। वो वीडियो दिखा देते एक बार, मेरे फ़ोन में है, तू भी आ जा भाई तुरुण, एक बार तू भी देख ले इनकी भी करामात, और तू बताइयो तुझे क्या लग रहा है। तो ये देखो भाई, ये 2-3 लड़के हैं, ठीक है, इसकी पूरी वीडियो ना मैंने ये वाली देखी ना कोई और देखी। इस वीडियो में बंदे ने
स्पेशली इतना पार्ट कट करके भेजा था उसने मेरी जीमेल पे कि ये देखो भाई ये वाले पार्ट में साफ पता चल रहा है। तो ये जो लड़का है ना पहले कुछ बात करता है और ये देखो इसने जब ऐसे इशारा किया ना हाथ का उसी टाइम पे खिड़की खुल के बंद हुई है। अब मैं बताता हूँ ये क्या है, इनका कोई एक दोस्त या कोई जानकार खिड़की के उस तरफ खड़ा था ठीक है, उसने जैसे ही ना इसकी नजर भी वहीं थी ऐसे उसने इशारा किया ना यूं हाथ झटकाया वैसे ही उसको पता चल गया। तो पहले से ही प्लान था इनका यूं करते ही तुझे खिड़की बंद करनी है ठीक है। तो यार ये मतलब ये क्या है भाई, खुद देखो यार किस हद तक फेक बनाओगे यार, समझ से परे है भाई ये चीज है ना समझ से परे है। ये तो चल इसने बंदे ने ये वाली चीज भेज दी जो साफ पता चल रहा है कि हाँ ये बंद करवाई है, इनकी और भी 50 वीडियो में ये चीज दिखाई दी होगी यार, 500 वीडियो में इन्होंने ऐसी चीज करी है ठीक है। और तभी लोगों को पता है क्या, लोगों को यही चाहिए कि जो चीज वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते ना तो वो चीज वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उन्हें कहीं भी देखने को मिल जाएगी ना तो वो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई नॉर्मल व्लॉग मान लो कोई बहुत ही सुंदर जगह घूमने की, लोग अगर वहां नहीं जा पाते तो लोग क्या सोचते हैं, हम सर्च कर ले यार हम देख ले कैसी लगती है, तो डेफिनेटली यार लोगों को मजा आएगा हमें भी मजा आएगा कोई ऐसी चीज देखेंगे। लेकिन ये जो चीज है ना ये बहुत ही गलत बात है भाई, ये मत करो। और अगर करनी है ना और तुम सोचते हो कि सच्ची में है हमने तो ऐसा नहीं करा, नंबर फिर से है यहाँ पे, फोन करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है फोन करो, हमें बुलाओ और लेके चलो जहाँ ले जाना है ठीक है भाई। एक बात और सुन लो यार, ये वीडियोस ना बनना बंद नहीं होगी जब तक तुम्हारे रिप्लाई नहीं आता है, रिप्लाई दे दो या फिर अपनी फेक वीडियोस बनाना बंद कर दो। ये 200 भाई रिप्लाई ये दे देंगे इस, ये वीडियो में नाम बोल दिए ना, इन चारों नाम के चैनल पे जाओ जाके इनकी हर वीडियो पे कमेंट करो, हर वीडियो को डिसलाइक करो जब तक ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे। या तो खुद अपने मुंह से बोल देंगे कि हमने झूठ दिखाया था, हम गलती मतलब हमारी गलती है सॉरी मानते हैं आगे से नहीं करेंगे, कोई बात नहीं हम खत्म भाई उस बंदे का नाम हटा देंगे कोई मतलब नहीं है, जब तक नहीं हटाओगे तब तक भाई हम भी नहीं रुकेंगे। तो बस यार नाम बताने थे मेन, आप सभी लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था और हम भी सोच रहे थे कि थोड़े दिन रुक जाए किसी का फोन आ जाए कोई कॉन्टेक्ट करे, किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं करा, काफी दिन हो गए वीडियो को डाले हुए, अब तो करोगे कॉन्टेक्ट ठीक है। तो और खास करके यार जो वो लोग है ना जिनका न्यूज चैनल है जो YouTube से रिलेटेड न्यूज शेयर करते हैं, कुछ लोगों ने करीबी थी हमारी वीडियो शेयर, उन सबको थैंक यू भाई, आपने बिल्कुल सपोर्ट किया इस चीज में हमारी तरफ से, हम तो यही मानते हैं कि आप लोगों ने सपोर्ट किया हमारा। तो अभी भी जाना उन लोगों के पास लिंक भेजना कि इन्होंने नाम बता दिए हैं, तो नाम बताओ यार इन चीजों को फैलाओ ज्यादा से ज्यादा ताकि या तो हम गलत प्रूफ हो जाए या वो लोग गलत प्रूफ हो जाए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था यार उन तक पहुंचा देना बात, लास्ट टाइम भी आपने पहुंचा दी होगी, व्यूज देख के और कमेंट्स पढ़ के साफ पता चल रहा था बात पहुंचा दी, बात पहुंचा दी भाई, उनके कमेंट पढ़ लिए हमने हर वीडियो पे, उनके हर वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि एक्सप्लोरिंग इंडिया का चैलेंज एक्सेप्ट करो, कुछ कुछ बंदों ने तो गाली दे दे के बोला उनको, फिर भी उनमें इतना ये नहीं है कि भाई तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, एक बार को इज्जत बचाने के लिए कुछ रिप्लाई कर दो कुछ बोल दो कोई मतलब नहीं है उनको। एक बात और, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहते यार, तुम जितने भी हो यूट्यूब चैनल है जिनका भी, किसी की कोई बेइज्जती करना नहीं चाहते, बस यार चिड़ इस बात से है कि तुम फेक क्यों दिखा रहे हो, रियल दिखाओ, जो भी है रियल दिखाओ, फेक मत दिखाओ बस। रियल दिखा नहीं पाएंगे ना भाई, रियल क्या ये हॉन्टेड प्लेस पे जाते कहा है, ये अंकुर कश्यप आज तक एक हॉन्टेड प्लेस पे नहीं गए, इसकी वजह से ही फटती है, ये खाली गेम खेल रहा है, ये व्लॉग विजय पवन सिंह जो है इसने कोई गूगल वाली जगह पे नहीं गया जहाँ गूगल ने लिखा हो, खाली ऐसे ही चले जा रहे हैं, गौरव जोन के एक आधी जगह पे कहीं गया होगा गलती से, इसकी भी इतनी कोई खास मैंने वीडियो देखी नहीं, वरना चुन चुन के एक एक करके उठा लेता। इस वीडियो का हमारे सिर्फ पर्पस था नाम बताना, और नहीं मानोगे ना एक एक को करके जितनी जितनी चीजें दिखाई है ना फेक वो सारी चीजें उठा उठा के दिखाऊंगा अब, और रेगुलर वीडियो आएगी इनके ऊपर, हमारे नॉर्मल ब्लॉग्स तो चले हमारे तो चलते रहेंगे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर करके तुम्हारे ना जरूर जब तक रिप्लाई नहीं आता जब तक वीडियो आती रहेगी यार। ठीक है भाई इतने ही बोलेंगे, वीडियो पहुंचा दो जहाँ पहुंचानी है, शेयर कर दो बढ़िया से, हम तो मिलते ही रहेंगे आपसे हर वीडियो में, ठीक है भाई, बाय बाय।